मान सिंह राजपूत के जाने के बाद अंकिता लोखंडे के कंधों पर दो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को, सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों को सलाखों के पीछे डालना। तो वहीं दूसरा काम था, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को संभालना। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफी मुश्किल था, लेकिन अब अंकिता लोखंडे इन दोनों ही जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के बाद वो पूरी तरह से टूट रही हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से टूट रही हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब वो जिए तो किसके लिए जिए। ऐसे में अंकिता लोखंडे को एक नया तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पापा। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के पापा अब अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रहे हैं और जीत का सबसे बड़ा तोहफा दे रहे हैं अपनी बहू को। और आज की खास रिपोर्ट में दोस्तों हम आपको यही बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अंकिता लोखंडे लगातार एक्सपोज कर रही हैं रिया चक्रवर्ती को। लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे के पूरे गैंग को पूरी तरह से एक्सपोज करने में जुटी हुई है और लगातार सुशांत सिंह राजपूत को याद करती ही रहती है सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ भावुक दिखती ही रहती है। अब इसके बाद जहां अंकिता लोखंडे इस काम में, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों को सलाखों के पीछे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ है अंकिता लोखंडे का, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों की, तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहनें, जीजा जी, तमाम तरह के लोग जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े हुए थे, उन सारे के सारे लोगों को जमकर सपोर्ट किया था अंकिता लोखंडे ने। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा पहले से ही जानती थी अंकिता लोखंडे। और अंकिता लोखंडे पूरी तरह से सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से रिया चक्रवर्ती के चेहरे के बारे में बताया, असली चेहरे के बारे में बताया और गुनहगार के बारे में बताया, रिया चक्रवर्ती की गुनाहों के बारे में बताया सुशांत के परिवार वालों से। इसके बाद सुशांत के परिवार वाले, पूरे के पूरे परिवार वाले जो है अंकिता लोखंडे के साथ बिहार के पटना के राजीव नगर थाने में पहुंच चुके थे। इसके बाद इन्होंने FIR दर्ज करवाने का सिलसिला वहीं से शुरुआत हुआ था, बिहार के पटना के राजीव नगर थाने से। अब जो है अंकिता लोखंडे पूरी तरह से टूट चुकी हैं, अंकिता लोखंडे पूरी तरह से टूट चुकी हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि अंकिता लोखंडे को हर हालात में रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे देखना है। रिया चक्रवर्ती को उनका, उसका जुर्म का कीमत जो है उसे चुकाना ही है। और इस बात को लेकर जो देरी हो रही है, इससे काफी ज्यादा घबराई हैं और काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं अंकिता लोखंडे। और अपने गुस्से को हमेशा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए रिया चक्रवर्ती पर निकालती ही रहती हैं अंकिता लोखंडे। ऐसे में अब सुशांत के पापा सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे को संभाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंकिता लोखंडे को संभाल रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अंकिता लोखंडे, मेरी बहू, तुम स्ट्रांग रहो। जी हाँ दोस्तों, तुम स्ट्रांग रहो, ऐसा कहना है अंकिता लोखंडे को लेकर सुशांत के पापा का। और ये सारी की सारी बातें जो है हमें अपने खास सोर्सेस के हवाले से हमें पता चली है। और साथ ही साथ सुशांत के पापा जो हैं वो ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो रिया चक्रवर्ती का ही है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के पापा बीते दिनों मुंबई आए थे, अंकिता लोखंडे के घर में भी वो रुके थे, अंकिता लोखंडे से भी मिले थे और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने कई तरीके प्लान और योजना बनाते हुए दिखाई दिए थे। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। वेल दोस्तों, सुशांत के पापा खुशी का सबसे बड़ा तोहफा देते हुए नजर आए अंकिता लोखंडे को और वो तोहफा है कि रिया चक्रवर्ती बहुत जल्द सलाखों के पीछे जाएगी। इसकी हिम्मत, जी हाँ, इस बात को लेकर हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आए अंकिता लोखंडे को सुशांत के पापा। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक रहे बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।